पास में हड़कंडे होते हैं, किस तरीके से टॉर्चर करते हैं पूरे इस जो आकाशवाणी दूरदर्शन है जो बड़े पैमाने पर टेलीकास्ट करते हैं पूरे राज्य के अंदर देश विदेश के अंदर, लेकिन इन्हीं को टॉर्चर किया जाता है। तो हमारे बीच में एक अधिकारी सर, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद बताएं। मेरा नाम पीआर मीना है, डायरेक्टर इंजीनियरिंग हूँ जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वहाँ पे, और अभी अंडर सस्पेंशन हूँ जी, ये मेरा परिचय है अभी। सर, ये विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आपको प्रसार भारती ने और जो दूरदर्शन है और ये जो और जो टेलीकास्ट करते हैं उसके साथ में आपको बहुत बड़े पैमाने पर हरासमेंट किया गया है। जैसे कि आपके वेशभूषा से लग रहा है कि आप इस समय डिपार्टमेंट के द्वारा आपको बहुत टॉर्चर किया गया है। हाँ, जैसा कि आपने बताया, मुझे ये समझिए कि डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते समय से लेके आज दिन तक टॉर्चर ही किया गया है जी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जैसे ज्वाइनिंग लेटर आता है उसमें मेरा नाम भी गलत लिख दिया था जी। मुझे 6 महीने तक सैलरी नहीं मिली, उसके बाद में क्या ना, मैं संघर्षशील हूँ, प्रयासरत हूँ और उतना डफर भी नहीं हूँ जितना समझते हैं। मैंने विभिन्न चैनलों के द्वारा, जैसे UPSC और RPSC, उसमें भी मैं प्रयास करता रहा। मेरा RPSC में फाइनल सेलेक्शन हो गया था वहाँ की राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। जब डिपार्टमेंट से नोट NOC लेने की बात चली तो वहाँ पे भी एक साजिश के तहत मुझे वह NOC नहीं दिया गया। अदरवाइज तो मैं राजस्थान के किसी ज़िले में कमिश्नर होता या अंडर सेक्रेटरी या सेक्रेटरी होता, मैं फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट था वहाँ पे जी। उस टाइम पे एक रणजीत सिंह थे, उन्होंने बहाना ये बनाया कि क्योंकि आपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट नहीं किया, जबकि एज पर रूल्स, एज पर गाइडलाइंस जो थी उसमें यही होता था कि जस्ट इंटीमेट द डिपार्टमेंट, रेस्ट इज अप टू द डिपार्टमेंट जी। तो फाइनल लेटर आया, सिलेक्शन का लेटर आया, मुझे वो डिनाई कर दिया गया। उसके बाद में क्योंकि RPSC को और भी कैंडिडेट्स का देखना होता है, उन्होंने मेरी कैंडिडेचर कैंसिल कर दी। तो वहाँ से चालू हुआ सिलसिला, फिर मेरी ज्वाइनिंग जहाँ भी हुई अहमदाबाद हुई, उसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में आया तो यहाँ पे क्योंकि दिल्ली में ही सबसे ख़राब स्थिति है, क्योंकि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, सारी पॉलिसी मैटर्स यहीं से डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे भी उन्हीं लोगों ने जिन्होंने मुझे NOC डिनाई किया था और उन्हीं के जो साथी बंधु थे उन्होंने मुझे यहाँ काफ़ी परेशान किया। मुझे दूर दूर दूरस्थ स्थानों में जहाँ पे कि बर्फ जमी रहती थी या पर हाईएस्ट अल्टीट्यूड था या पर जितने भी एडवर्स कंडीशंस होती थी उनमें भेजा गया। एक पर्टिकुलर लॉबी बन गई थी यहाँ पे कि जो ST/SC के ऑफिसर्स है, क्योंकि हमारे बीच में करीब 18 शेड्यूल ट्राइब्स के ऑफिसर आ गए थे, तो ये चीज़ इनको अखरती थी जी कि ये लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे ऊपर हायर पोजीशन पे जाएंगे, तो ये इनसे हमें वो प्रतिद्वंदिता रहेगी, कंपटीशन रहेगा, राइवलरी रहेगी। तो उस चीज़ को इन्होंने वहीं से एक पॉलिसी बना लिया कि इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। हमारी जो आपके सामने जो घटना घटी है, क्या इसको आपने आला अधिकारियों के सामने रखा या मंत्रालय में रखा? मैंने समय समय पर आला अधिकारियों को भी रखा, ST/SC कमीशन को भी रखा जो उस टाइम पे जॉइंटली हुआ करता था। हमने इस एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे क्रमिक भूख हड़ताल भी की, आमरण अनशन भी किया, समय से मैं पर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन जितना हम संघर्ष करते हैं न्याय पाने के लिए उतना ही हमारे साथ अन्याय होता है, क्योंकि ऊपर बैठे हुए लोग वो ऐसे लोग हैं जो हमारी पोस्टों को, जो हमारी 32 बैकलॉग था उसके बाद में उन्होंने वो क्या जालसाजी करके उसको 21 कर दिया, वो 21 पोस्टों पर आज भी जनरल के कैंडिडेट बैठे हुए हैं ऑन रिकॉर्ड। वही लोग क्योंकि हायर पोजीशन पे पहुंच गए हैं अब, क्योंकि ये जो चीज़ें हुई है कोर्ट रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट और जो आपके जो पार्लियामेंट के ऑर्डिनेंस वगैरह, इनसे कभी रुक जाती है कभी चालू हो जाती है। तो उन लोगों का प्रयास है कि क्योंकि अब रिसेंटली या फिर इनको लगता था कि इनको आगे फ्यूचर में जाके ये डिसीजन रिव्यू हो सकते हैं, तो इनका यही मकसद है कि इन लोगों को इतना डरा दो, इतना मतलब दबा दो कि, और इतना इस तरह से इनको डिमिलिटराइज कर दो कि अपनी आवाज़ नहीं उठाएं जी। तो इस तरह के प्रयास हुए हैं। इसी क्रम में मुझे अभी रिसेंटली जो पिछले साल सस्पेंड कर दिया गया, और बहाना क्या जो चार्ज लगाया है वो बिल्कुल हास्यास्पद है कि आप जरा किसी से भी पूछिए
कि एक आजकल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम की मशीन आती है, उसमें आपको कम इम्प्रेशन लगा के या कुछ करना है, अगर वो ख़राब हो गई है, मैंने उसके साथ सेल्फी ले ली, तो क्या ये कोई ऑफेंस बनता है? नहीं, एकदम मशीन नहीं चल रही, मैं अपने अटेंडेंस आपको दिखा रहा हूँ। तो उसके प्रूफ के लिए मैंने सेल्फी ले ली कि मैं आया हूँ यहाँ पर ऑफिस में। अब उसी तरह का अगर उस बेसिस पे मुझे चार सीट दे दी जाती है, तो ये जो हमारे सीईओ, करंट सीईओ शशि शेखर जी, हाँ, तो ये अभी पुणे गए थे, इन्होंने तो स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग करी है अपने कैमरा में, तो क्या इनको चार सीट नहीं मिलनी चाहिए? उसी इनका तो ज़्यादा सीवियर ऑफेंस है वो। सर वही सिस्टम हो गया, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के चार जजेज ने बोला कि लोकतंत्र खतरे में है, उससे पहले जस्टिस टंडन ने बोला था, उनको 6 महीने की सजा दे दी गई थी, नहीं, और इनको कुछ नहीं हुआ। यहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एसटीएससी खतरे में है प्रसार भारती में जी, यहाँ पे क्योंकि जो सीईओ बैठे हैं उनका जो चयन हुआ है वो एक, क्योंकि ये यहाँ से पहले एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रोपेगेंडा उसको उसके लिए काम कर रहे थे, तो इनका अपॉइंटमेंट हो गया पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, ठीक है, एक डेफिनेट एजेंडा के तहत ये आए हैं, और इनको सरकारी रूल्स रेगुलेशन का कुछ भी ज्ञान नहीं है। मेरे केस में अब तीसरी बार इनको अपना आदेश बदलना पड़ रहा है, आदेश खुद बदल रहे हैं, खुद बदल रहे हैं। ये पहले आदेश निकाल दे कि आपको ऐसा करना है, आपने ये किया, मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं किया और ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, तब इनको समझ में आता है या कोई समझाता है इनको? एडवाइजर जो है वो सारे डेपुटेशनिस्ट है, दूसरे डिपार्टमेंट से आए हैं, तो क्योंकि अब कोई आर्मी से आया, कोई बीएसएनएल से आया, कोई टेलीकॉम से आया है, या कोई दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वहीं से आया, तो उनको भी इस डिपार्टमेंट का कोई वर्किंग का पता नहीं है। इसका ये असर हुआ है कि सीईओ साहब को कोई मिसगाइड करता, मीन्स मुझे लगता है ही हैज बीन हाईजैक्ड बाय द वेस्टेड इंटरेस्ट, जो हमारे जो एसएस वेम्पति साहब है, इनको तो अपना खुद को कुछ आता नहीं है, बिकॉज ही हैज बीन इन द प्राइवेट सेक्टर थ्रू आउट हिज सर्विस लाइफ, जस्ट ही हैज बीन प्लांटेड इन प्रसार भारती टू सर्व सम वेस्टेड एजेंडा ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी और समथिंग एल्स, ठीक है। तो विडम्बना ये है कि इनको कुछ आता नहीं है, और जो इनको गाइडेंस देते हैं इनके सलाहकार है वो हमारे आउटसोर्सिंग से आए हैं, हमारी पोस्टों के खिलाफ वो बैठे, तो आप इमेजिन कीजिए कि वो हमें क्यों आगे बढ़ने देंगे। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ बनी हुई है। अभी जो रिसेंटली एक दो इंक्वायरी ऑफिसर बदल गए, क्योंकि मैंने प्रोटेस्ट किया कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके खिलाफ ये है ये चीज़ें। अभी तीसरे अधिकारी राजीव सिन्हा जी हैं, इन्होंने एसटीएससी के खिलाफ लिटिगेशन किया शुरू से, इनका जन्मजात ही इनका जो वो है इज इनिमिकल टू एसटीएससी, ठीक है, विरोधी रहे हैं, कई तरह के दांव पेच कानूनी वगैरह करके ये खुद हमारी पोस्ट के अगेंस्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है। थे हमारी कलेग, हमने साथ साथ काम किया है जामनगर हाउस जोनल ऑफिस में, लेकिन क्योंकि इनको फ़ायदा मिल गया हमारी पोस्टों का, हमारी पोस्टों को यूजर्प करके हड़प करके हमारे ऊपर बैठे हुए, और इनको एक और बूस्ट दे दिया कि इनको डीडीजी एडमिन बना दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का डीडीजी बना गया, जबकि पिछले सीईओ थे बीएस वाली साहब, इन्होंने राइटिंग में दे रखा है कि इन सज्जन को अब डीडीजी तो छोड़ो, इनको एचआरडी सेक्शन जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सेक्शन है वहाँ पर कभी इनको पोजीशन भी नहीं देना है, जबकि एज ऑन टूडे सिचुएशन दैट ही इज द डीडीजी ऑफ दैट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। तो इस तरह का माहौल है, चलो हमारा दुश्मन था हमारा ही इंक्वायरी करेगा, क्या ऐसा संभव है? और क्या कि उसमें मुझे जस्टिस मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। बहुत ही दुख की बात है कि प्रसार भारती के अंदर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिकारी बहुत ही परेशान हैं। वो अपने आप को कहाँ साबित कर रहे हैं ये आप देख लें, क्योंकि जैसे कि अभी मीना जी ने बताया कि चार जजेज कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, उससे पहले एक जजेज कन्नन साहब ने बोला था कि जो ये जो जजमेंट आ रहे हैं जो हमारे जजेज हैं ये बिल्कुल गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनको चार सीट दे दी गई, उनको जेल भेजा दिया गया। सेम कंडीशन आपके भी केस के वही हालत है कि जो ये करेंगे वो बढ़िया करेंगे, जो आप लोग करेंगे वो घटिया काम करेंगे। ये किस तरीके की बात कर रहे हैं, ये क्या संविधान के अंदर अपना विश्वास रख रहे हैं? आज अधिकारी होने के नाते आप देख रहे हैं कि जो एक चेहरे पे खिलखिलाहट होनी चाहिए थी, एक बढ़िया माहौल होना चाहिए था, जो कि इतना अच्छा काम जानते हैं, इंजीनियर हैं, और कहा गया कि अगर मेरे साथ में इस तरीके का कोई दाग नहीं होता तो आज कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर का इनकी बात थी। जी सर, हाँ, जैसा कि आपने कहा कि जानकार है, काम जानते हैं, अगर मेरा कंपेरिजन इस डिपार्टमेंट के किसी भी बेस्ट ऑफिसर से किया जाए तो मैं उसे BC मिलूंगा जी, ठीक है सर। डिफिकल्ट जगह ले लो, आइजोल इंडिया के मिजोरम में है,
बहुत डिफिकल्ट जगह है, कंपेरिजन कर लीजिए सेम टाइम पे दूसरे डिफिकल्ट स्टेशन पे। यहाँ पे बैठे हैं सीओ साहब के पास में ही आरपी जोशी साहब और एक दीपक जोशी साहब। तो आरपी जोशी साहब इम्फाल में थे, वो अपनी नौकरी मतलब ड्यूटी वहाँ थी छोड़ छाड़ के गुवाहाटी में बैठे रहे कई महीनों तक। यही डिपार्टमेंट यही सीओ उनको तो क्या करता है, पोस्टिंग वहाँ से वापस बुला लेते हैं उनको, डिस्पाइट कि ही फ्लेड द सीन व्हेन ही वाज रिक्वायर्ड टू डिलीवर देयर एंड ही इज़ वेरी क्लोज टू नाउ दिस सीओ। ठीक है, दूसरे सज्जन है दीपक जोशी, ये कोकराझार में थे। हमारे यहाँ एक जो हमारी जो ड्यूटी होती है ट्रांसमीटर के लिए होती है कि ट्रांसमिशन शुड गो अनइंटरप्टेड, ये रिक्वायरमेंट होती है। इन सज्जन के टाइम पे क्या है, कोकराझार में ट्रांसमीटर में ब्रेकडाउन आ गया, मतलब ट्रांसमीटर फेल हो गया और यहाँ से भाग के दिल्ली चले आए। कई दिनों तक बैठे रहे, वहाँ हड़ताल हुई, न्यूज में आया, मीडिया में आया, सब कुछ हुआ, हंगामा हुआ। उस टाइम के सीईओ थे जवाहर सरकार साहब, तो इनको सीवियर स्ट्रक्चर पास किए हैं दीपक जोशी जी के अगेंस्ट में, और इनके जो बॉस थे जो अभी ENC हैं श्री CVS मौर्य, इनको भी सीवियर मेमो मिला था। इन सब के बावजूद नाउ दीपक जोशी इज क्लोज टू द वेरी सेम SS वेम्पति CEO, और RP जोशी भी इनके क्लोज में हैं, CBS मौर्य जी ENC बैठे हैं। तो ये भेदभाव नहीं होगा, मैंने इतना काम किया है आइजोल में कि वो खंडर पड़ा हुआ था स्टेशन, उसको चमका के आया हूँ, वहाँ का एवरी एम्प्लॉय ऑफ दैट स्टेशन स्टिल रिमेंबर्स मी, स्टिल रिवर्ड्स मी, मेरा सम्मान करते हैं क्योंकि मैंने काम किया है। और ये सज्जन वहाँ से भाग फिरे, अपनी ड्यूटी छोड़ के भागे, तो काम ही नहीं आता वो तो छोड़ के भागेंगे नहीं, उसके लिए तो इनको पनिशमेंट सस्पेंड होना चाहिए था, जबकि उल्टा सस्पेंड मैंने किया, काम करने के लिए मुझे सस्पेंड किया गया, और इनको वहाँ से मतलब नौकरी से निकालना चाहिए था। क्योंकि आप जैसे आर्मी में है या फिर डिफिकल्ट स्टेशन पे है, आप कहीं पे भी, आप तो यू आर सपोज टू डू योर ड्यूटी सिंसियरली विदाउट एनी फेल डिस्पाइट एनी प्रॉब्लम, तो वो रिक्वायरमेंट है, जबकि ये तो छोड़ के भाग गए वहाँ पे, और इन्हों ये संरक्षण दे रहे हैं उनको, आपने क्लोज दे आर वेरी क्लोज टू सी यू इटसेल्फ। अब आप समझते हैं किस पर्पज से बुलाया होगा, क्या करते होंगे, ऐसे लोगों की लॉबी इन्होंने बना रखी, खुद को कुछ नहीं आता, दूसरे जो आते हैं आप देखो किस तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन, 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 इनकी श्रद्धा पाने के लिए किस तरह के लोगों की जरूरत होती, किस तरह के लोग डिजर्व करते हैं, आरपी जोशी जैसे, दीपक जोशी जैसे, या CBS मौर्य जैसे, या इनसे भी कोई। अब देखिए एक और DG है हमारे सरजार साहब, उनका आप हिस्ट्री सुनेंगे तो 90s से हमारे पास एविडेंस है कि उनके टेरर लिंक्स थे वहाँ पे लोकल, क्योंकि जहाँ पे मिलिटेंसी चालू हुई से। हमारे एक एम्प्लॉई है अभी भी वो पोजीशन में है, उनको धमकी दी गई थी भैया मेरा अपोजिशन करेगा तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा यहाँ पे, और उसी स्टेशन पे जहाँ ये थे वहाँ पे एक स्टेशन डायरेक्टर थे लस्सा कोल, ठीक है, कश्मीरी पंडित थे उन जमाने में, कश्मीरी पंडित वर्सेज मुस्लिम का इन्होंने चला था, कत्लेआम किया था वर्चुअली, ये सज्जन उसमें शामिल थे, ये ही वाज द इन्फॉर्मर देयर। एक इंक्वायरी भी हुई थी लेकिन क्योंकि ये वहाँ से हैं लोकल, किसी ने हिम्मत नहीं करी इनके खिलाफ मुँह खोलने की। अभी भी हुआ क्या है, जब से मेरा ये हुआ है सस्पेंशन का मामला, ये सज्जन जो है इन्होंने इन्हीं के थ्रू हुआ है, DG खुद मुस्लिम है जिसके थ्रू कंप्लेंट कराई, एस हैदर वो मुस्लिम है, जिसने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी, आर ए अंसारी वो मुस्लिम है, जो इनसे जिस दिन बैठा था वो मुस्लिम था, आर ए शेख। तो ये समझिए कि मैं तो मुस्लिम जो कम्युनल उसका भुक्तभोगी हूँ, मेरे साथ खिलाफ क्या हो रहा है कि जैसे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर हुआ था या फिर कहीं शहर में दंगा हो जाता तो मेरे खिलाफ तो दंगा हो रहा है इस तरह का, सारे मुस्लिम मिलके या फिर जब इंक्वायरी हुई तो सारे ब्राह्मण मिलके या फिर जिन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कराया वो सारे ब्राह्मण थे, BD मोहंती उड़िया थी, SC पांडा जिसने मेरा ट्रांसफ़र किया या फिर जिसने फर्स्ट ऑर्डर निकाला सचिन का वो भी ब्राह्मण था, उसके बाद में जो इंक्वायरी ऑफिसर बनाए RN बंसल वो बनिया थे क्योंकि लेडी जो जिसने कंप्लेंट की वो बनिया थी, फिर ये CEO बनिया है, मेरा बचने का कोई चांस नहीं है और मुझे जस्टिस मिलने का कोई चांस नहीं है जब तक ये लोग नहीं हटेंगे। बहुत ही दुख की बात है कि जैसे अभी बताया इन्होंने कि जो कंप्लेंट दी गई है और उसी अधिकारी को दे दी जाए जो अधिकारी भ्रष्ट है, और तो उसमें क्या इंक्वायरी सेटअप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद, मनगढ़ंत कहानियां, क्योंकि कुछ काम आता ही नहीं, अगर काम आता तो आज ये भारत इस तरीके से त्राही त्राही ना कर रहा होता। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से।